नमस्कार दर्शकों, दर्शन न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड बूंदी द्वारा बूंदी शहर में विद्युत मीटर की चेकिंग अभियान किया शुरू, जिसमें विद्युत मीटर में 3 उपकरण लगाकर चेक किया जा रहा है। उपभोक्ता द्वारा मीटर के साथ किसी भी प्रकार की छेड़खानी का पता आसानी से लगाया जा सकता है, जिसका फीडबैक सीधा सेंड कंपनी में जाता है। उसके बाद वहां पर उसको कंपनी के कर्मचारियों द्वारा चेक किया जाता है, जिससे किसी भी प्रकार की मीटर में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो उसका सीधा पता लगाया जा सकता है। उसके बाद कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विद्युत विभाग को दिया जाता है। विद्युत चोरी नहीं रुक पाने के कारण निगम द्वारा यह अभियान हर वर्ष करवाया जाता है। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास, व चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूले। आज ये जो जयपुर द्वारा जो ये मीटर टेस्ट किए जा रहे हैं, तो क्यों किए जा रहे हैं? ये सर इसलिए किए जा रहे हैं कि बहुत से मीटरों में काफ़ी दिक्कतें आ रही है, कि मतलब कहीं पे बिल ज़्यादा आ रहा है और कहीं पे बिल ज़्यादा आ रहा है, तो हम इसको क्या है लोड टेस्ट कर रहे हैं। जो जब आदमी बिल मतलब अप्लाई करता है मीटर के लिए, तो उसमें लोड लिखाया जाता है, तो एक तो उससे अधिक लोड चल रहा हो, और बहुत से मीटरों में क्या होता है कि आजकल कारस्तानी ज़्यादा होती है, कि जैसे उसको कम किया जाता है, उसकी रीडिंग को कम कर दिया जाता है, बढ़ाना है तो छोड़ो, चलो कम कर दिया जाता है। जैसे किसी के बिल आ रहा है 7,000 का आ रहा है, तो वो क्या किसी खिला मतलब जानकार से मिलकर उस मीटर को में छेड़खानी करके उसको कम उसकी रीडिंग कम करवाने की प्रोग्रेस करता है वो। तो इसमें मतलब आपको कंपनी द्वारा भेजा गया है कि या जयपुर विद्युत निगम द्वारा भेजा गया है? सर ये वैसे तो क्या कंपनी भी हमारी जयपुर विद्युत वितरण निगम से ही अप्रूव्ड है, और उसी से ठेका लिया हुआ है। हमारी सेंस एक कंपनी है, उसी ने ठेका सेंट एंड सिस्टम सिग्नल सेंट सिस्टम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के अंदर होगा कि पूरा बूंदी जिले में होगा? ये पूरी बूंदी जिले में। हाँ, उपभोक्ताओं द्वारा कोई परेशानी भी आई होगी आपको? आती है सर, बहुत सी आती है। बहुत से कहते हैं कि हम नहीं करने देंगे, हमने थोड़ी हम तो हमारे बिल आता है, हम तो देते हैं, हमारे कोई कारिस्तानी। भाई हम ये नहीं कह रहे कि आपने कुछ कर रखा है या नहीं कर रखा, हमारा तो इतना सा काम है कि हम आपके मीटर को टेस्ट करते हैं। अगर ये इन मीटरों में क्या अधिकतर कहीं शिकायत आती है कि ये बहुत तेज बकता है, अधिकतर उपभोक्ता ऐसी शिकायत करते हैं, तो हम उसका भी निस्तारण कर रहे हैं कि अगर ऐसी कोई बात होती है तो हम ये जो इसको टेस्टिंग करते हैं, तो उसमें सारी पल्स वगैरह हम ये लेते हैं कि मीटर तेज चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो उसी अगर वो होता है तेज चल रहा है तो हमारी कंपनी क्या है उसी उनको मतलब उपभोक्ता को कुछ भी नहीं करना। अगर मीटर तेज चल रहा है तो हम हमारी कंपनी के द्वारा उसको चेंज किया जाता है। इसकी प्रक्रिया के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे, किस हिसाब से आप इसका मीटर को टेस्ट करते हो? प्रक्रिया है सर, हमारे पास क्या है 3 मशीन है। एक तो स्कैनर लगाया जाता है मीटर पे, उसकी जो बत्ती होती है उससे डायरेक्ट कनेक्ट किया जाता है, उससे उसकी पल्स चलती है। दूसरी हमारी एक मशीन है, उसमें हमको इस मीटर का पूरा डाटा लिया जाता है। ये मशीन देख रहे हो आप, ये ऊपर जो कपड़े के ऊपर ढकी हुई है वो तो एक स्कैनर लगा हुआ है, और दूसरी मशीन SPRS जिसमें हम डाटा इसका पूरे मीटर का डाटा लेते हैं। कैप्चर होता है ये हमारे वहाँ ऑफिस में कंप्यूटर पर पूरा खुल जाता है कि इस मीटर में क्या है क्या नहीं है। दूसरी बात ये लोड है, ये लोड हमारा खुद का लोड लगाते हैं हम, क्योंकि अंदर कोई सी भी कार्य तो हमारे लोड से क्या पूरा इसका मीटर का पूरा डाटा आ गया। और यदि कोई मीटर के अंदर खराबी पाई गई
नहीं सर, हम आतवाद नहीं करते, हम तो केवल इसका डाटा उठा लेते हैं। अगर कार्यस्थान तो उपभोक्ता से भी कुछ नहीं कहते हैं, उपभोक्ता अधिकारी को बता दिया, अधिकारी को बता दिया जाता है, रिपोर्ट दे दी जाती है उनको। आपका नाम? जय कुमार प्रजापत, कंप्यूटर ऑपरेटर। नवीन कुमार है, टेक्नीशियन हूँ मैं।